से तो नजर आ रहा था वो पहाड़ है, लेकिन जब करीब आते जा रहे हैं ना तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हाँ, ये सारे पहाड़ एक जैसे हैं। यार ये देखो, ये सुराग ये सांप आप का हो सकता है। हाँ, ये कोई बिल सांप का हो सकता है। छोड़ दो, ये बिल्कुल ही किसी जानवर का ही बिल लग रहा है। जो कि बहुत नहीं, आ जाओ। कौन सा वाला पहाड़ था, याद है? एकदम नजर आ रहा है। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल सामने ही दो गाड़ियां छोड़ते ही खड़ी हुई दिख जाएंगे हम। उस वाले पहाड़ पे जाते हैं। अच्छा, थर्ड वन सबसे बड़ा जो पहाड़ था हम उस पे चढ़ गए। मिल गई, मुझे मिल गई है आमना बीबी की कब्र। मैं बहुत स्पीड से आया हूँ ऊपर, ये लोग आ रहे हैं ऊपर, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑयल डाला हुआ है। हाँ, ये फिर डीजल डाला हुआ है। यहाँ से बहुत तेज खुशबू आती है, वो खुशबू ना यार मेरे ख्याल से चप्पलें चप्पलें कदम के पीछे रखी ना चप्पलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, फिर से एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ मदीने शरीफ की टेरिटरी में, मदीने शरीफ की बरकत। किस मकाम पे जा रहे हैं? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, उस मकाम पे जा रहे हैं जिस मकाम पे हर मुसलमान की जाने की ख्वाहिश है, बीबी आमना का मकाम और अफवाह का मकाम। आप यकीन करें, मौजूद खवातीन हज़रात, टैक्सी वाला अहमद लेने गया था, वो टैक्सी वाले तो जाने को तैयार ही नहीं होते कि यहाँ पे कुछ सख्ती है और ठीक ठाक सख्ती है। मतलब है एग्जैक्टली, मुझे ये बताया गया है कि तीन मकाम एक पहाड़ पे कबूर बना दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन हो जाए कि असल मकाम तक लोगों की ज़्यादा रसाई ना हो। तो वहाँ पे भाई पेट्रोल वगैरह भी सुना है डाल देते हैं, ऑयल वगैरह भी डाल देते हैं। ऑयल वगैरह भी डाला हुआ है, कोई सजदा या उसको चूमे ना या मट्टी खाए ना सब कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली ख्याल यही आता है कि वही असल जगह है। और वहाँ खुशबू ऐसी उठ रही होती है कि आपको दूर से खुशबू वाली बात, खुशबू भी, और वो उसके बावजूद भी खुशबू है जी। और वहाँ पे चलने पे, पहाड़ पे चल चल के इतना रास्ता बन चुका है, आपको पता लगेगा कि यहाँ से लोग आए और जा रहे हैं, वरना एक सुनसान जगह पे आप देखेंगे कैसे। सुल्तान भाई हमारे को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और आप लोगों ने भी कभी जाना हो तो सुल्तान भाई अपना नंबर दे दे फटाफट। 0585 08 77 835 उमर भाई भी साथ जा रहे हैं हमारे, हैदर भाई भी साथ जा रहे हैं, और मदरी भी जा रहा है। इंशाल्लाह हम निकलते हैं। कितनी देर का रास्ता है? 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे अभी। 2 घंटे बिल्कुल। दुआ करें सब कि इंशाल्लाह पहुंचे, और याद करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन सा वो? सामने वो जो है पानी के लिए पत्थर लगा, वो जाएगा इस पहाड़ के पीछे वाला ना? जी, पहाड़ के पीछे वाला। बट ठीक, उधर अदर कहीं का वो स्मेल आएगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी, गाड़ी पे उतार दिया। ओके जी जी, पानी ले लिया, पानी ले लिया, और हम सब जा रहे हैं मकाम पे। ये कह रहे हैं कि हमें टैक्सी ड्राइवर छोड़ के चला गया है। हाँ, टैक्सी करके आएंगे। नहीं जाना, ये बिल्कुल कांटे हैं नीचे, कांटों वाले पौधे हैं। उफ, नीचे दिखा भाई। हाँ भाइयों, मारो जरा नजर, मारो। यार वो वाला पीछे वाला पहाड़ है, पहाड़ यहाँ से नहीं पता चलेगा। यार गाड़ी वो मेरे ख्याल से वो सामने खड़ी है, छोड़ते ही उधर उस तरफ इस साइड पे खड़ी हुई गाड़ियाँ। यार ये देखो, ये सुराग ये सांप आप का हो सकता है। हाँ, ये कोई बिल सांप का हो सकता है। छोड़ दो, ये बिल्कुल ही किसी जानवर का ही बिल लग रहा है।
करके पहुंच जाए। कौन सा वाला पहाड़ था याद है यार? मेरे हिसाब से ये वाली पहाड़ी पार करेंगे ना तो पता चलेगा यूं चलना चाहिए हमको। उस तरफ वहाँ है जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। नहीं नहीं वो नहीं है भाई, अरे इससे अभी हम जहाँ खड़े हुए ना हमें हर पहाड़ के ऊपर नोकीले पत्थर दिख रहे हैं। यहाँ पे भी है नोकीले पत्थर। चले आगे बढ़े, अल्लाह का नाम ले। अच्छा हम कहाँ से आ रहे हैं? कोई एक बंदा ना ये रास्ता याद कर ले जहाँ से हमने वापस जाना है। वापसी में तो कुछ ना कुछ हो जाएगा जाने के लिए। यार नोकीले पत्थर बोले थे ना इन पहाड़ियों के पीछे बोला था। हाँ साहब मैं यही तो बोल रहा हूँ, इन पहाड़ियों में नहीं है। हम ये पहाड़ी आखिरी वाला क्रॉस करेंगे ना तो फिर हमें नजर आएगा। पहाड़ी अगर मिल जाएगी ना तो वो रूट प्रॉपर बना हुआ है। रूट प्रॉपर बना हुआ है, रूट से बताया था कि निशान बने हुए हैं। हाँ चलने के क्योंकि वायरस लोग कुछ गए हैं तो रूट तो बना हुआ है। पहाड़ी करीब अब असल में कन्फ्यूजन ये हो गई है पहाड़ के। हम यहाँ से दूर से तो नज़र आ रहा था वो पहाड़ है, लेकिन जब करीब आते जा रहे हैं ना तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हाँ ये सारे पहाड़ एक जैसे। यार हमें ना पता है खुले की तरफ जा रहे हैं और क्या यहाँ से चढ़ते हैं अगर पॉसिबल है। मैं नीचे बेटा यहाँ से। यार मैंने वीडियो बनाई थी पहाड़ की। उमर भाई साथ साथ ना साइडों में देखते हुए भी चलें। ये पहाड़ क्रॉस कर लेते तो मैं भी नजर आया। एक सेकंड इधर आओ, एक सेकंड इधर आओ, इधर आओ। उमर भाई इधर इसको ड्राइव करो। ये पहाड़ ये देखो ये है, ये देख रहे हो ये अभी हमें इस पहाड़ के पीछे नजर आएगा। मैं यही बोल रहा हूँ ना इस पहाड़ के पीछे, हर पहाड़ पे उन्होंने बनाई है लेकिन उस पहाड़ के पीछे नजर आएगा। यहाँ से आया इधर भाई, यहाँ से ये रहा रास्ता। ये वाली साइड, ये जो बड़े पत्थर है ना ये हमें दूर से नजर आ रहे थे, ये नोकीले पत्थर, और ये वाली ऊंचाई ये दूर से नजर आ रही थी वहां से उस तरफ से। अल्लाह खैर करे। चलो चलते हैं, जो भी है थोड़ा इधर उधर घूमेंगे। मैं इसको उतार रहा हूँ, चलो आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो हैदर भाई। अब क्या बोलते हैं नोकीले पत्थर तो उसके बाद ये इन पहाड़ियों पे चढ़ना है। हमने इन पहाड़ियों में चढ़ना है, ये वाली पहाड़ी ये जो पीछे पहाड़ी है इधर भी इधर नजर आएगी। अच्छा ये भी देखते रहो कि गाड़ी गाड़ी तो इस तरह की चीज नजर। उमर भाई क्या बोलेंगे हैं? यहाँ से चलिए यार, क्यों आए हैं कि पहाड़ चढ़ना पड़ेगा ना। गुरु शरीफ का विल कर रहा हूँ, गुरु शरीफ बिल्कुल चढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल नादिर भाई ये वाला पहाड़ लग रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था टाइम पहले ये कब्र बनाई किसने। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल जालिमीन। अच्छा पैर पे कोई पत्थर वत्थर फील नहीं हो रहे? देखिए सच्ची बात बताऊं कि कोई पैर को जख्मी कर रहा हूँ। बहुत चप्पल देखे, बहुत पतली चप्पल पहने हुए, भूल गए थे लेना। ये अच्छी तरीके से याद है, यही बताया था कि जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ जो यहाँ पे नजर आ रहा होगा वही पहाड़ है। रास्ता बना हुआ मैं उसी नहीं तो यार ये सीधा चढ़ रहा है यहाँ से, वहाँ से मुश्किल है पता है। उस तरफ गाड़ी खड़ी हुई थी, इस तरफ गाड़ी खड़ी हुई थी ना, इस तरफ भी गाड़ी खड़ी हुई है आगे, इस तरफ भी गाड़ी खड़ी हुई है, उस तरफ भी गाड़ी। हमने वापस भी यही किया ना, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखो हम सामने से आ रहे थे और उसने यही दिखाई थी मुझे। इधर से आ जाए जहाँ जहाँ से चढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके चढ़ते रहेंगे हम। अच्छा थोड़ा सा खुल के चढ़ें ताकि इफ अगर कोई स्लोप भी होता है ना तो वो पीछे वाले को लेके ना गिरे। ये हाइकिंग का एक तरीकेकार है, अगर आप हाइकिंग कर रहे हैं तो गैप रखें।
इस पेस पे चलें, क्योंकि अगर कोई खुदा ना खासा स्लोप करता है तो पीछे वाले को ना लेके गिरे हो। और कदम बिल्कुल जमा जमा के ऐसे, और ऐसे चलो। देखो मतलब तुम सबसे आगे चले हो, उस वाले पहाड़ पे जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो पहाड़ था हम उस पे चढ़ गए। क्या हुआ? क्या हुआ यार? ये रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। चले अल्लाह का नाम लेके बिजनेस होता है, जाया ना करें। ये या तो बैग पकड़ो, मैं जाके देख कर आऊं लेट के। नहीं हैदर भाई, ये पहाड़ देख लिया मैंने, नहीं है इसमें। हाँ देख लिया आगे तक। एक मिनट रुको, इतना बड़ा पहाड़ है तुम कैसे? अरे ये रही छोटी बस, ये नीचे उतर रहा है इसके बाद से। देखो एक नजर मारो, हाँ ना वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल सामने ही दो गाड़ियाँ छुटते ही खड़ी हुई दिख जाएंगी। नहीं है साहब, नहीं है भाई, फिर टाइम ज़ाया नहीं करते। वो सूरज भी जा रहा है नीचे, आ जाओ, अंधेरा हो गया तो मसला होगा। इंशाल्लाह ये बैग पहनो। नहीं, वो रूट पे जाना नीचे। सुनो, हम लोग ये वापस नीचे उतरते हैं और ये रूट लेते हुए पीछे से, ये जो पीछे का रास्ता है हम लेके उस वाली टॉप वाली पे चढ़ जाएंगे। वो भी ऊँची पहाड़ी है, वो भी बड़ी पहाड़ी है। और चल इंशाल्लाह वो होगी। नहीं चलो चलो, देखिए उतरना है भाई। यहाँ से क्यों नहीं जा रहे नादिर? ये पता नहीं कह रहे हैं कि रोड नजर आ रहा है यहाँ से। वो मिल गया, मिल गया रास्ता। तरीके से देखो, क्योंकि रास्ता में भी लग रहा है कि यही रास्ता है। देखो मदनी आ रहे ना, मदनी ने कोशिश करी है। मदनी भागता हुआ गया। मदनी गाड़ी नजर आ रही है क्या? वो इधर से चलो भाई, इधर से चलो। शक्ति को नजर आ सकता है, हम लोग यहाँ से जाएंगे। फिर यहाँ से चलो। हाँ इधर से चलो। मिल गई। मुझे मिल गई है आमना बीबी की कब्र। मैं बहुत स्पीड से आया हूँ ऊपर, ये लोग आ रहे हैं ऊपर, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है। बिल्कुल आ रहे नजर, मगर अब हम आ गए उमर भाई। पता नहीं वल्ला आलम उमर भाई, ये कब्र और ये डाले में फूल। मेरी ज़िंदगी सफ़रों में गुजरी, जिस सफ़र में मैं सबसे ज़्यादा तड़पा वो मेरे नबी की वालदा की कब्र की ज़ियारत थी। मैंने चारों तरफ सर उठा के देखा, काले पहाड़, असर ढल चुकी थी, सूरज पीला पड़ चुका था, वीराना वहशत। 1400 साल पहले कैसी वीरानी होगी, जब सन 2000 की बता रहा हूँ। ऐसा वीराना के दिल डर रहा था। एक गाइड के जरिए से हम पहुंचे थे और मैं 14 सदी पीछे देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, लाख लाख कि हम मकाम से भी आ गए और शुरता पीछे आया। उसने वार्न किया लेकिन हम दूसरे पहाड़ से उतर के मतलब उसकी वार्निंग ऐसी थी कि ना नजर आने दी, खामोश वार्निंग थी उसकी। वो पीछे आने दिखाई दे, ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप चढ़ो और वो लोग ना देखें। ना देखें, दो तीन गाड़ियां खड़ी भी होती हैं वो तो देखते हैं। हाँ डिपेंड करता है कि वो आपको आके
तंग करे या पकड़े वो एक अलग बात है। अभी चचा को मैंने बताया तो चचा हैरान हो रहे थे। हैं चचा? जी जी ऐसा ही है भाई, इधर छोड़ते नहीं है। अच्छा चचा वैसे मैक्सिमम क्या करते देखा लोगों के साथ आपने, कि मतलब क्या करते लोग? अभी काम है, तस्वीर ले लेते हैं और उनको वो मुखालफत मुखालफत कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन लेकिन देखे ये जगह बहुत दिल वाला, बहुत बड़ा दिल वाला, उसके लिए रेकमेंडेड है, हर किसी के लिए नहीं है। हमारे गांव का एक आदमी आया था, वो इधर आके मेरा नंबर भी ले गया। अच्छा चाचा मजे की बातें बताते नहीं है भाई साहब? बात ये है कि भाई हमने जो भी आता है ना हम नहीं बताते, हमारा ही काम ही नहीं कहते। वो बोलते हैं कि आप तालीम देते हो। बिल्कुल सही। नहीं नहीं सही। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं छोटा? हां बिल्कुल। यार पहले मैं दो पहाड़ चढ़ा ऊंचे ऊंचे, ठीक है, लेकिन ये वाला पहाड़ जब मैं चढ़ाऊँ ना तो उसके पत्थर चुभ नहीं रहते। बिल्कुल नरम पहाड़ है और टेकने में बड़ा बहुत। कोई ऐसी बात नहीं है, करना एक मुश्किल नहीं है। वो लोग जाते हैं ना उधर पैसा रख के आ जाते हैं, ये मत पैसा कोई चादरें चढ़ा देना वहाँ पे, ये सारी चीजें इसी की वजह से उन्होंने और फातिया पढ़े हैं। बस खत्म। जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, आपने कब्र का जियारत करनी है, फातिया पढ़नी है, अल्लाह से दुआ करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह अकबर। और यकीन करें मौजूद खवातीन और हजरात, ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बड़ा काम था हमारा पेंडिंग जो हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग यहीं पे इख्तिताम करेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है। हम सबको, उमर भाई को, अहमद को, हैदर भाई को, मुझे, मदनी को, चाचा को इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त इस अपने पन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।